अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू महताब गार्डन। दोस्तों आज देखिए, ये मैं अपने मैरीगोल्ड के कुछ वैरायटीज आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, देखते रहिए। इसका मैरीगोल्ड का आपको कुछ केयर टिप्स भी बताता चलूँ। ये सनलाइट का पौधा है, फुल सनलाइट में आपको रखना है इसको। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लग जाए इसको, 5 घंटे 6 घंटे। पानी की बात करूँ तो पानी जब मिट्टी सूखने लगे जब भी पानी आपको डालना है। ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना है कि मिट्टी गीली गीली नज़र आ गई हो और आप फिर पानी डाल दें इसको। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी आपको नहीं करना है कि पानी हो गमले में फिर पानी डाल दें। नहीं, जब मिट्टी आपको पता चल जाएगा कि जब मिट्टी सूखने लगे जब भी पानी डालना है। इस प्लांट का पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब पानी का ख्याल आप रख लेंगे तो अच्छा चलेगा। सूखे फूल को निकाल देना है, तोड़ के हटा देना है। जो फूल सूख जाए उसको हटा देना आपको। अगर आपको बीज चाहिए, सीड चाहिए, तो एक दो फूल आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। दो तीन फूल छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, बाकी फूल को हटा दें। ये देखिए, ज़्यादातर तो मेरे पास फ्रेंच मैरीगोल्ड है, जापुई वैरायटी है। 7-8 किस्म के मेरे पास मैरीगोल्ड है। गमले का साइज़ आपको बताऊँ तो ये जो जाफरी वैरायटी होता है इसको 6 से 7-8 इंच के गमले में आप लगाएं एक प्लांट। और ये जो बड़े होते हैं इनका अफ्रीकन वैरायटी जो होती है, बड़े वाले गेंदा जो होते हैं मैरीगोल्ड, इसको आप 10 इंच में या 12 इंच में एक प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छा चलता है ये। इससे 25% कम्पोस्ट आपको मिलाना है मिट्टी में। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।